क्या आप भी उनमें से हो जो SSC, GD, आर्मी या पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो? या फिर आप उनमें से हो जो कि एक बेस्ट शूज ढूंढ रहे हैं फॉर रोड रनिंग एंड ग्राउंड रनिंग के लिए ₹1000 के आसपास। तो भाई ये वीडियो आपके लिए। बहुत ही ज्यादा इस ब्रांड का नाम अपने को सुनने मिलता है जब भी बहुत ही ज्यादा हार्डकोर या फिर ड्यूरेबल शूज की बात होती है। तो इस वीडियो में जो मैंने शूज पहने, इसका नाम है सेगा कम्फर्ट 4 रनिंग शूज। लेट्स फाइंड आउट क्या ये शूज मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो की ट्रेनिंग कर रहे फॉर एनी टाइप ऑफ भर्ती, या उन लोगों के लिए जो की एक बेस्ट शूज ढूंढ रहे ₹1000 के आसपास। और एक और चीज शेयर करूं भाई, ये शूज मैंने ना फ्लिपकार्ट से लिए, और फ्लिपकार्ट जो सेलर है ना भाई, वो थोड़ी सी बदमाशी कर रहे इनके रेट्स को लेके। अब एग्जैक्टली क्या वो बदमाशी है ना, मैं आपको आगे शेयर करता हूँ, ठीक है? एंड मेक श्योर वो आपके साथ ना हो। राइट फ्रॉम अनबॉक्सिंग से लेके 10 किलोमीटर तक का सफर, आई विल मेक श्योर कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेके जाओ और अपना एक डिसीजन बनाओ कि आपको ये शूज को लेना चाहिए या नहीं। फर्स्टली अनबॉक्सिंग की बात करें, आई वाज श्योरली नॉट इंप्रेस विद द इनर क्वालिटी। आई मीन इसका जो बॉक्स था ना शूज का, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक बॉक्स लगा मेरे को, और आते आते तो काफी टूट भी चुका था। और इस शूज को जब मैंने बॉक्स से निकाल के हाथ में लिया ना, द शूज फिनिशिंग पार्ट वॉज वेरी बैड। अपर एंड मिडसोल की जो असेंबली है ना भाई, वहां पे बहुत ही ज्यादा ग्लू को स्पिल ऑफ दिख रहा था। दैट इज डेफिनेटली नॉट ए गुड साइन भाई, मतलब इतनी अपेरेंटली पेस्टिंग कैसे दिख सकती है यार शूज में। और जब मैंने आउटसोल भी देखा ना, तो आउटसोल में भी बहुत ही ज्यादा दाग और धब्बे लग रहे थे। आई वाज लाइक मैंने भाई ये नए शूज लिए यार फ्लिपकार्ट से, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये शूज मुझसे पहले भी किसी ने मंगाए और मुझे भी वो के वही शूज आ गए। उस वक्त डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मैं, मतलब यार मैंने ₹1000 डाले यार इस शूज के पीछे। फिनिशिंग से थोड़ा सा आगे जाते, जब मटेरियल मैंने हाथ में फील किया ना, मटेरियल वाज डैम गुड। मुझे इसका अपर का जो मैश मटेरियल है ना, ये बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लगा। कि पोर्स भी मेरे को काफी वाइडर लगे, जो कि आपको ब्रीदेबिलिटी में हेल्प होगा। उसके साथ ही इसकी जो मिडसोल और जो ये आउटसोल थी ना, एकदम गजब की थी। हाँ वहाँ पे पेस्टिंग बहुत ज्यादा स्पिल ऑफ दिख रहा था, बट वो मटेरियल फील वाइज काफी सुपर्ब था। इसका जो आउटसोल आप देखते हो ना भाई, वो एकदम रबर फील देता है, वरना अन्य ब्रांड्स में अपने को वो TPR वाला फील देखने मिलता है, जहाँ पे मतलब रबर एंड प्लास्टिक का मिक्सचर होता है। बट इसके आउटसोल अपने को एकदम रबर वाली फील आती है। आउटसोल में को डेफिनेटली थोड़ा बहुत पैची लगा डिजाइन वाइज। अब ये पैची इसलिए भी होगा ना, बिकॉज इंडिया में मेरे हिसाब से सेगा के जो रनिंग शूज होते हैं ना, वो बहुत ही धड़ल्ले से बिकते हैं। अब मेरे हिसाब से कंपनी के पास है ना भाई, वो मोल्ड को चेंज करने का भी टाइम ही नहीं होगा, बिकॉज फुटवेयर में एक प्रैक्टिस होती है भाई कि जब तक वो मोल्ड चल रहा है ना, उसको घिसते रहो भाई। अब मुझे इसलिए पता है, बिकॉज मैं पिछले 7 साल से फुटवेयर होलसेल का बिजनेस करता हूं। कंसीडरिंग द EVA मिडसोल और रबर का जो आउटसोल का जो फील है ना भाई, मेरे हिसाब से ₹1000 के आसपास में दिस आर वन ऑफ द बेस्ट। बट एक्चुअल में जब आप इसको पहनते हो और आगे कैसा फील होता है, आई विल शेयर दैट। तो इस तरीके से भर्ती वाले जो बंदे होते हैं ना, पुलिस आर्मी या SSC GD वाले, इस टाइप के जो बंदे होते हैं ना, इनको ना डेफिनेटली थोड़े से लाइट वेट जूते लगते हैं। और मुझे मेरे YouTube पे ना इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना, सर मेरी अभी ये लास्ट टाइम, मतलब आई कैन अप्लाई लास्ट टाइम इसमें, तो मेरे को बेस्ट शूज बताओ ₹1500 के आसपास, या ₹1000 के आसपास, या ₹2000 के आसपास। तो डेफिनेटली ये शूज जो है ना भाई, इसका वेट है ना एकदम रीजनेबल वेट है, ठीक है, लाइक 546 ग्राम्स। अब आता है इसको पहनने के बाद का एक्सपीरियंस। जैसे ही ये शूज को मैंने पहना, यू कैन से इन दिस वीडियो कि भाई वो काफी ज्यादा अंदर की तरफ मेरा पैर टिल्ट हो रहा था, लेफ्ट एंड राइट बोथ। एट फर्स्ट इंप्रेशन आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, मैंने बोला यार इसकी फिटिंग ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी यार। तो मेरे दिमाग में सेकंड थॉट आया, तो हो सकता है शायद नए शूज हो, तो मैं थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर दौड़ू तो शायद मतलब वो अपना शेप ले लेगा इसका अपर मेरे पैरों का। अब पर्सनली स्पीकिंग भाई, मेरा जो एक पैर राइट वाला पैर है ना, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट होता है, ठीक है, तो उसमें ब्रांड को दोस्तों नहीं दूंगा, बट लेफ्ट वाला भी हो रहा था, तो वो मेरे को थोड़ा सा और खराब लग रहा था। तो मैंने ना भाई इसकी लेसिस है ना बहुत ही अच्छी तरीके से लूज की सारी, और मैंने इसको वापस डाल के उसमें पहना। जैसे ही मैंने लेसिस और भी ज्यादा टाइट बांधी ना, तो थोड़ी सी वो टिल्टनेस जो थी ना, वो थोड़ी सी कम हुई इसमें। And then I was sure भाई कि जैसे अपन दौड़ेंगे ना, तो ये और भी ज्यादा ठीक हो जाएगी। Now comes the actual running part। जैसे ये शूज पहन के मैं इनिशियली दौड़ा हूँ, मुझे इस शूज में ना थोड़ा सा शीन पेन इनिशियली एक्सपीरियंस हुआ। लाइक शुरुआती के 2 किलोमीटर तक तो मेरे को एकदम थोड़ा अनकंफर्टेबल इसके शूज लग रहे थे। दैट माइट बी बिकॉज इसके पहले मैं एक्शन ब्रांड का Nitro 508 रनिंग शूज में यूज कर रहा था, वो ऑलमोस्ट मैंने 10 से 15 दिन यूज किए। अब हो सकता है शायद मैं शूज बार बार चेंज करते रहता फुटवेयर रिव्यू के चक्कर में, तो ये शूज मेरे पैरों को इनिशियली वो 2-3 किलोमीटर तक सूट नहीं हुआ, मतलब वो पैरों में डेफिनेटली वो पेन हो रहा था शुरुआती में। पहले दिन में मैं सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। जब मैं ये शूज को वापस पहन के दौड़ा हूँ, तब भाई वो शीन पेन मेरे को थोड़ा सा कम हुआ। ये भाई वो शूज को स्विच करने की वजह से ही टेम्पररी पेन था। ये बार डेफिनेटली ये शूज पहन के दौड़ने में काफी मजा आया, मतलब जो ग्राउंड ग्रिपिंग थी ना, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल थी भाई इसकी। और मिडसोल भी कैसी थी ना भाई, बहुत ज्यादा बाउंसी नहीं थी, मतलब वो एकदम रफ एंड टफ वाली मिडसोल थी, मतलब जिसमें बाउंसीनेस थोड़ा कम था। अब गाइस मैंने रनिंग रिसेंटली ही स्टार्ट की है, ठीक है, तो मैं भी अराउंड 85 kg का बंदा हूँ। आई नो मेरा वेट ज्यादा है, तो मेरे केस में मेरे को ना थोड़ी सी बाउंसी मिडसोल चाहिए भाई, बिकॉज भाई वो बोलते ना एक शॉक एब्जॉर्प्शन चाहिए भाई, जब अपना पैर लैंड करता है ना
जमीन पे या ग्राउंड पे, तो वो मतलब उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए अपने पैरों पे उसके लिए। तो भाई अब फाइनल कंक्लूजन के ये इश्यूज भाई किसको लेने चाहिए, लाइक मेरे हिसाब से मतलब आप उनमें से हो भाई कि आपका वेट एकदम नॉर्मल है, आप अगर ओवरवेट नहीं हो और आप सुपर हार्डकोर और बोलते ना एकदम ड्यूरेबल वाले शूज देख रहे हो, इग्नोर द फिनिशिंग पार्ट ऑफ दिस शूज, क्योंकि जब अगर वो देख लोगे ना पहले तो आपका मन करेगा कि भाई ये तो फिनिशिंग बहुत बेकार आई है यार इस शूज की। और अगर आपका बजट 1000 रुपए के ही अंदर है तो फिर आप ये शूज को बिंदास लो, ठीक है। मतलब मेरे को इसका मटेरियल फील करने के बाद ऐसा लगा भाई कि ये ना भाई महीनों महीनों चल जाएंगे भाई अपने पैरों में, वो भी एकदम हार्डकोर यूज के साथ। और अगर आपके पैरों में किसी भी तरह की कोई भी इंजरी वगैरह ना हो तो आप ये शूज डेफिनेटली कंसिडर करो बिंदास। इंसोल भी इस शूज में काफी बेसिक इंसोल दी गई है, और जब मैंने इंसोल भी देखी भाई तो दोनों की ना इंसोल अलग अलग कलर्स की थी, मतलब एक ओरिजिनल सिका की थी और दूसरी मेरे ख्याल से लोग ने ना दूसरी कोई इंसोल इसमें डाल दी थी। अब यही पे वो सीन हुआ भाई जो मैंने पहले आपको बताया कि फ्लिपकार्ट से मैंने लिया, वहां पे क्या बदमाशी हुई मेरे साथ में। लाइक इस शूज की जो एक्चुअल एमआरपी है ना भाई वो 1025 रुपए के आसपास है। मैं ये आज ही बात कर रहा हूँ जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लाइक 24 तारीख 8वें महीने की, ठीक है। बट भाई फ्लिपकार्ट पे उसको प्रेजेंट किया जाता है 1400 रुपए के आसपास में और फिर एक फेक डिस्काउंट देके उसको 1025 में ही बेचा जा रहा है। आई एम नॉट टेलिंग एक्चुअल एमआरपी से मेरे को ज्यादा पैसे दिए, बट ये शूज अगर आप ऑफलाइन भी लेने जाओ ना आपको 900-950 के आसपास ये शूज आपको आराम से मिल जाएंगे, और दूसरी ही वेबसाइट लाइक अमेजोन वगैरह पे तो ये बहुत ही इजिली 850-900 रुपए तक भी मिल रहे थे भाई। इसलिए आप घाई घाई में ना गड़बड़ मत करो भाई कि कोई भी वेबसाइट से जाके ले लो, पहले अच्छे से कंपेयर करो और अपने नजदीकी रिटेल ऑफलाइन काउंटर पे भी जाके इसका प्राइस आप चेक कर लिया करो, हो सकता है आपको ऑफलाइन में ही सस्ते में दे दे वो। होप यू हैव डेफिनेटली टुक समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ये शूज की एक्चुअल कंडीशन है 10 से 15 किलोमीटर के बाद। आई नो ये शूज थोड़े गीले हैं आप जो देख रहे हो, बिकॉज आज जब मैं रनिंग करने गया ना इस शूज के साथ में तो भाई बहुत ही हैवीली बारिश हो रही थी जो कि अब तक सूखे भी नहीं है, बट वीडियो शूट करना भी काफी जरूरी था आप लोगों के लिए। मतलब यू कैन डेफिनेटली चेक कि भाई आउटसोल इसके अभी तक कहीं पे भी घिसे हुई नहीं दिखाई दे रही, व्हिच वाज रियली गुड। जनरली गाइस मैं नहीं बोलता मेरी वीडियो शेयर करो, बट ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करो उस बंदे के साथ में जो कि आपका दोस्त हो, वो भी आपके साथ में एकेडमी में आता हो और वो भी एसएससी जीडी या फिर पुलिस भर्ती या फिर बोलते ना आर्मी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा हो। ऑल्सो डेफिनेटली टेल हिम टू सब्सक्राइब माय चैनल। विद दिस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।